इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ में हूं। इस वक्त अपडेट की बात करें तो इंदौर पुलिस ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय एडवाइजर कंपनी पर छापामार कार्रवाई की। कंपनी को एक्सिस बैंक के अकाउंट में 20 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन मिला है। दुबई में रहकर कंपनी संचालित करने वाले मुख्य आरोपी अतुल बिस्ट और मैनेजर मोनिका पर केस दर्ज किया गया है। इंदौर में काम करने वाले कंपनी के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। वे 300 से ज्यादा लोगों को ठग चुके हैं। पुलिस ने इन्वर्टर्स की शिकायत के बाद कार्रवाई की। विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि आरोपी प्रीमियम बिल्डिंग में प्लेटिनम ग्लोबल व बीएनबी नाम की कंपनी संचालित कर रहे थे। आरोपी ने बताया कि अपनी कंपनी जल्द ही क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पर क्वीन काइन लॉन्च करने वाली थी। कंपनी के 4 बैंक अकाउंट भी मिले हैं। फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी लोगों से डॉलर में निवेश कराती। पुलिस अली पिता सुदर्शन निवासी महालक्ष्मी नगर व उसके साथी हरदीप पिता जीएस सुलेन से पूछताछ कर रही है। तो ये था अब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।